नीचे बजरी गाड़ी, हाँ नीचे टचोरी। ओ आराम से आराम से आराम से आराम, कोशिश कर रहे यहाँ से निकालने की। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नीरज ऑटो हिल व्लॉग्स में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, जा रहे हैं कोलैब करने। तो ये हमारे अंश भाई, जिनके साथ हम पहले भी कोलैब कर चुके हैं। तो और अंश भाई, कैसे हैं आप? बस ठीक है, बताइए। तो कहाँ ले जाएंगे आज आप हमें? भाई यहाँ से हमें इस टाइम उधमपुर में जी फ्लाटे वाला एरिया है, और ऑफ रोड ट्रैक है, तो थोड़ी यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। तो फिलहाल एक्सट्रीम मजा आने वाला। फिलहाल तो यहाँ से भी अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि ऊपर अच्छा ही होगा क्योंकि जंगल एरिया है। तो चलिए देखते हैं क्या रहता है आगे। फिलहाल मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ये सेकंड हमारा जो कोलैब है, मतलब फर्स्ट था काफ़ी अच्छा गया, और ये सेकंड है, उम्मीद है ये भी अच्छा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं लोकेशन पे, तो दिखाएंगे रास्ते में अगर कुछ दिखाने लायक होगा तो। गाइस ये लोकेशन चेक करें यार, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो फर्स्ट टाइम आया मैं फ्लाटा से ऊपर, मुझे पता सच में उधमपुर का उतना ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है। बट ये हमारी सामने जा रही है बैनम, जो कि अंश भाई का चैनल है, अंश शर्मा के नाम से है। चलिए देखते हैं कहाँ ले जाते हैं। फिलहाल तो मुझे लग रहा है अच्छा ही होगा, क्योंकि रोड इस हिसाब से है, और साथ में जो पत्थर काटा गया है ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हम उधमपुर से, लगभग काफ़ी ऊंचाई। तो देखते हैं क्या कुछ, ये हमारे जो साथ हैं वो नहाने की काफ़ी जिद कर रहे हैं, तो उम्मीद है कुछ मिले हमें वैसा, ताकि हम थोड़ा इंजॉय कर सकें। ये ऊपर हाईवे जो आपको मैं टोल दिख रही है, यहाँ से हम हाईवे छोड़ दिया। तो इन्होंने कहा कि ट्रैक जैसा ही है, देखते हैं कैसा कुछ रहता है आगे। तो गाय तो बड़े ऑफ रोडर हैं, पता नहीं कहाँ भाग के 2 सेकंड में। हमें गाड़ी थोड़ी बचानी पड़ती है, क्योंकि लोन अभी बाकी है गाइस। ऊपर से तो इजली से कहीं भी चले जाते हैं, वहाँ पर जब नीचे से रहता है तो मुश्किल रहता है, क्योंकि मेरे पास 4 बंदे हैं। तो मुझे पूरा आगे देख के चलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता गाड़ी नीचे बजे, बस नीचे बजने का सिस्टम रहता है। बाकी तो टायर पे अगर छतरी है तो फिर तो चलता ही है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे आगे के वैनम जा रही है, मतलब अंश भाई की आल्टो लॉर्ड। व्यू तो काफ़ी अच्छा है, व्यू तो साथ साथ रोड भी उतनी ज़्यादा गंदी है। देख रहे हैं आप, बाहर से शूट ले रहे हैं एक। तो फाइनली गाइस अभी रोड आ चुका है, जिसका हमें इंतजार था। ये खतरों वाला मिल जाता है, देखते हैं अभी क्या होता है इसमें। तो यही है, हमें स्प्रिट चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर 2 मजे हैं, एक नेचर का मजा है और दूसरा रोड का मजा है। रोड का तो गाड़ी का पता कितना मजा आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, झाड़ियाँ बहुत एक्सट्रीम है, और यहाँ पे आल्टो आ सकती है, फॉलो कर रही है आल्टो। भाई पहाड़ों की रानी कहा जाता है इसको। तो मारुति भी गाइस यहाँ पे, लॉर्ड मारुति भी गाय यहाँ पे। तो जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं, हमने इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ होगा, पर यहाँ पर कीचड़ का दलदल बन चुका है, निकल जाएगी। और अभी जस्ट ट्राई करेंगे कि हाँ कि यहाँ से निकल जाए। सबसे पहले मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी, ये आ रही है आल्टो अपनी वैनम, जो कि लॉर्ड तो मानी जाती है। यहाँ से पता चलेगा कितनी ज़्यादा लॉर्ड है। इधर लानी पड़ेगी पीछे ही। बस काटो काटो काटो, नहीं 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 नहीं, काटो काटो काटो।
नहीं शीशा ये साइड से बस रही है। ओ आराम से रुको एक मिनट, यहाँ से जगह की बहुत कमी है। नीचे बज रही गाड़ी, हाँ नीचे टच हो रही है। हाँ पीछे ले जाओ फिर से देखते हैं। नीचे लग रही गाड़ी। रुक जा, फिर दोबारा से करना पड़ेगा ना सिस्टम। ये काम करते हैं पर यहाँ पे कांटे बहुत ज्यादा हैं। रुक जाए एक मिनट, ये नीचे लग चुकी है गाड़ी चला रही है। यहाँ से देखिए बम्पर टच हो गया ना, बम्पर चेसी ना टच हो। ओ धीरे, ये पत्थर अपने आगे मेरी बात सुन। ये बस रुको, हाँ बिल्कुल सेट बैठा और पत्थर। ये गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, फिर से कोशिश कर रहे हैं यहाँ से निकालने की। ओ यस, पर चेसी नहीं से बजी यार इधर से। ओह मजा तो आ नहीं था, कैसा लगा? तो हमारे पास पंच है, तो हम देखेंगे पंच का क्या सिस्टम रहता है। ये तो भाई मुझे लगता है आराम से जिस तरीके का देख रहे हो, दो एक्सीलेटर दे दो सीधा, अब रोकना मत। आने दे सीधी, आने दे हाँ। पिछला टायर हाँ बस। अरे ये तो थोड़ा देख सकते हो आप कितना यहाँ पर था सिस्टम। और ये जो आखिरकार हमारे महान कैसा लगा आपको? जब दिल धक धक करता है बहुत मजा आता है। पहले वाले ये रहे, इन्होंने दिखाया अपना कारनामा। भाई अभी आगे तो और मजा है, चलो आगे चलते हैं। ये जो शुरुआत थी गाइस, चलो निम कह रहे नहीं, चलो चलो आप कैसा लग रहा है? लग तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है, थोड़ा रोक। मतलब सुबह से हैं भूखे प्यासे और अभी ये हालत यहाँ पर। कहाँ पर? महादेव। तो फाइनली गाइस एक ऑटो ड्राइवर चला रहा है ट्रैक्टर। घर बड़ा दूर है। ओहो, तो फाइनली गाइस स्टार्ट तो कर रहे हैं इसको। है लगा रहे हैं, स्टार्ट हो गया है। देखिए आप देख सकते हैं धीरे यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। बस
इन्होंने लगा दिया इसको बड़ी बड़ी मुश्किल से बात लगा देना, क्या भरोसा पीछे चले गया। कैसा लगा भाई इधर, क्या रहा आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस ना ट्रैक्टर चला? मैंने जस्ट ऐसे बोल दिया था कि मुझे चला गाड़ी निकल जाएगी, बट इनको ये लगा था कि इनको थोड़ा मोड़ काटने में प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ी सी समझ नहीं थी, मतलब मैंने कभी चलाया था। चलो कोई ना, अच्छा लगा ना, बहुत मजा आया। गर्मी बहुत ज्यादा यार, ऐसे लग नहीं रही बट बहुत तेज गंदी वाली धूप है, तो फिलहाल यहाँ से मुश्किल होने वाली आल्टो की, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम रहती है, फिर भी देखते हैं अगर वो निकलती है तो पंच तो इजीली निकल ही जाएगी, बट जो पत्थर है बीच में ट्रैक्टर ही चलते हैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया। तो देखते हैं आल्टो कितना कमाल दिखाती है, अंश भाई और आ रहे हैं चला के। ओहो, आई थिंक थोड़ी सी बच गई है ये, पर चलो निकल गई। हमारे जो हैं नीरज जी वो लेके आ रहे हैं अपनी पंच, रेडी। तो ये जो है, ये आपका दिख रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ पर पानी भी आ रहा है और रोड थोड़ा कच्चा है, क्योंकि यहाँ पर मेन रोड है ये ट्रैक्टर के लिए है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम तो ऐसे लगा नहीं है, लगेगा भी नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत ग्रामीण एरिया में है ये, बहुत ऊपर जाके थोड़ा एक टाउन एरिया है बिल्कुल। तो चलो कोई ना, ये पंच का कमाल जो अभी चेक होगा यहाँ पर, तो काफ़ी इजली था गाइस, हाँ काफ़ी इजली था, कोई इतना प्रॉब्लम आई नहीं इनको। और चलो देखें आगे क्या है, इससे खतरनाक रोड मिलता है तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ जो इन्होंने ना काफ़ी अच्छे अच्छे रोड ट्रैक किए हुए हैं। यहाँ से आते हुए चढ़ाई तो है काफी, पर चलाने में मजा भी ऐसे ही है। गाइस अभी एक्सट्रीम लेवल का सिस्टम हो गया है, अभी और एक्सट्रीम बोल रहे हैं कि होने वाला है, बट सच में यार गर्मी बहुत खिंच की है, जो मेरे सभी कैमरा मैन है सभी साथी है पसीने से निचुड़ चुके हैं सारे। नहीं गर्मी का सीन भी नहीं है, बट ऐसा लगा कि पहले भी बड़े ब्लॉग में है, लेकिन इस ब्लॉग में कुछ एक्सपीरियंस अलग ही मिल रहा है। भाई ने ट्रैक्टर चलाया फर्स्ट टाइम आ रही है, मैंने इनको वैसे बोल दिया कि मुझे ट्रैक्टर चलाना आता है, जैसे मैंने राहुल भाई को सबसे पहले वैन के लिए बोला था कि मुझे गाड़ी चलाना आती है और उन्होंने मुझे गाड़ी दे दी। चलो कुछ करके ही बंदा, कुछ बोल के ही बंदा करता है, पर सच में मैं पहले सोचा मैं यही हो सकता है एक्सीलेटर, यही क्लच हो सकता है, और गियर उन्होंने मुझे खुद बताया कि ये तो स्टार्ट जो की वो बेहतरीन चाबी, जैसे मैंने आपको दिखाई थी क्या बेहतरीन चाबी थी वो, बाकी अफ्रीका के जंगल लग रहे हैं गाइस। मिट्टी देख रहे हैं जनाब, मिट्टी देखिए, और ये चलती हुई हमारी, कोई पत्थर मुंह पे नहीं बजे बाकी बातें।